और बात कोरोना वॉरियर्स की, तो कोरोना वॉरियर्स को शुक्रिया कहेगी सेना। जी हां, एसएमएस अस्पताल आरयूएचएस में कल होगा पुष्प वर्षा। वायुसेना की तरफ से राजधानी के दो अस्पताल किए गए चिन्हित। वायुसेना की तरफ से राजधानी के दो अस्पताल चिन्हित किए गए हैं। पुलिस आयुक्तालय से पुष्प वर्षा के लिए मांगी गई एनओसी। पुलिस आयुक्तालय ने पत्र पर चिकित्सा विभाग ने जारी की एनओसी। हेलीकॉप्टर उड़ाने को लेकर जारी किया अनापत्ति प्रमाण पत्र। वर्षा होगी, कई हॉस्पिटल्स पूरे देश में चिन्हित किए गए हैं और उसी क्रम में राजधानी के ये दो हॉस्पिटल्स जहां पर पुष्प वर्षा की एक तरीका है, ये जो एक जेस्चर है कि कोरोना वॉरियर्स को शुक्रिया कहना है, उसी के लिए दो अस्पतालों को चिन्हित किया गया है। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे लगातार कि किस तरह से पुलिस आयुक्तालय के पत्र पर एनओसी भी मिल चुकी है और ये शुक्रिया अदा कहने का एक अपना तरीका है। कई बार इससे पहले भी हमने देश में देखा है, देश के अलग अलग हिस्सों में देखा है कोरोना वॉरियर्स का किस तरह से पुष्प वर्षा करके उनको रिस्पेक्ट दिया गया है। कई जगहों पर डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी इनकी इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, तो ये ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि ये फ्रंट लाइन पर रहकर हमारे लिए लड़ रहे हैं और इनकी रिस्पेक्ट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और विकास हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। विकास, कोरोना वॉरियर्स जिनकी इज्जत रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है इस वक्त में, क्योंकि वो फ्रंट लाइन पर हमारे लिए लड़ रहे हैं। दो हॉस्पिटल चिन्हित किए गए हैं, एनओसी भी मिल गई है, कल पुष्प वर्षा होगी। देखिए, बिल्कुल ये प्रयास किया गया है। कल सेना की जारी किया गया था पूरा प्रोग्राम, जिसके अंदर बताया गया था किस तरह से समुद्र के जन जो है उन पर रोशनी मिलिट्री बैंड बजाया जाएगा। उसी के साथ ही अब साथ में ये भी डिक्लेयर किया गया है कि जो भी कोरोना से जुड़े अस्पताल है जहाँ पर सीधा ट्रीटमेंट कोरोना का हो रहा है, उन अस्पतालों जो काम कर रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं, उनके उत्साहवर्धन के लिए वायुसेना के द्वारा पुष्प वर्षा की जाएगी। इसके लिए राजधानी जयपुर को एसएमएस अस्पताल, मेडिकल कॉलेज का एसएमएस अस्पताल वो और आरयूएचएस का जो अस्पताल है उसको चिन्हित किया गया है और दोनों अस्पतालों पर पुष्प करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट से एनओसी मांगी है वायुसेना ने। और उसके बाद पुलिस कमिश्नरेट ने चिकित्सा विभाग को पत्र लिखकर चिकित्सा विभाग ने इस पत्र के हवाले पर एनओसी जारी कर दी है कि उन्हें कुछ आपत्ति नहीं, अस्पताल पर अगर कोई पता की जाती है तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब कल का एक कार्यक्रम बताया जा रहा है, कल शाम को ये कार्यक्रम होगा जिसके अंदर की पुष्प वर्षा होगी दोनों अस्पतालों के अंदर और उसको लेकर तमाम तैयारियां हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से और साथ ही आर्मी की तरफ से और कर दी गई है। जी विकास, कितनी देर का ये कार्यक्रम होगा और किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा इस दौरान? देखिए खुशबू, ये कार्यक्रम जो है कल शाम का बताया जा रहा है, अभी तक इसकी शेड्यूल डेट टाइम जो है वो नहीं आया है, लेकिन कल शाम का कार्यक्रम है। और उसके लिए हम आपको बता दें आज राजधानी जयपुर के अंदर ट्रायल भी शुरू हो गई है, कुछ हेलीकॉप्टर जो है वो राजधानी जयपुर में घूम रहे हैं और ट्रायल का जो कार्यक्रम होगा उसको लेकर ट्रायल जो है वो शुरू कर दी गई है। जी